प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि प्रदेश में बाढ़ की समस्या को देखते हुए 4 जनपदों का हवाई सर्वेक्षण किया गया है। कहीं भी किसी भी तरह की समस्या नहीं है। बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन और बाढ़ से संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि किसी जिले में कोई समस्या नहीं है। कुछ गांव निश्चित ही बाढ़ से प्रभावित हैं, वहां राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने बताया। इसलिए सर यहाँ परमानेंट एलिफाइड बहुत बना हुआ है, हर 200 मीटर के एलिफाइड मिलेगा। गोरखपुर का हर जगह है सर, 500 मीटर में एलिफाइड यही तो भैया छा रहेगा, ठीक रहेगा। देखते हैं कि बाढ़ को लेकर श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता किस तरह से रही है। कोरोना काल में भी हम लोगों ने देखा है, कोई सप्ताह नहीं गया होगा जब उन्होंने आने वाली बाढ़ की समस्या के संदर्भ में कोई समीक्षा न की हो, कोई बैठक न किया हो, कोई दौरा न किया हो, और उसका परिणाम आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आज 4 जनपद हम लोग घूम के आ रहे हैं और पूरी तरीके से जो भी परिस्थिति है हम लोगों के नियंत्रण में है। हमारा जिला प्रशासन, हमारे संबंधित जो विभाग हैं उनके अधिकारीगण, उसके कर्मचारीगण, यहाँ तक कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सारे लोग मिलकर जनता की सेवा में जिस तरह से तत्पर हैं, आज मैं ये कह सकता हूँ 4 जिले घूम के आ रहे हैं और रोज़ बाढ़ से संबंधित ब्रीफिंग मीडिया भाइयों से हम लोग कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि परिस्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है जो चिंता का सबब बने, और आगे जैसी भी परिस्थिति आएगी उसका सामना करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है।